उसमें है हमारे पास टॉपिक केमिकल टेस्ट। जितने केमिकल टेस्ट हैं आज की क्लास में सारे खत्म हो जाएंगे। इन शॉर्ट अगर एटलीस्ट 3 मार्क्स तो देगी देगी, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक अगला चैप्टर है इसमें अमाइन का, उसमें 5 केमिकल टेस्ट हैं, बाकी सारे केमिकल टेस्ट इसी में ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल टेस्ट, और आपके एनसीईआरटी में भी एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं जो केमिकल टेस्ट है वो कहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो केमिकल टेस्ट है वो एल्डोल क्रॉस एल्डोल के बाद ही, देखो ये रिडक्शन है, अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन में ही हमें केमिकल टेस्ट दिखाई दे रहे हैं, टॉलन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर हमने एल्डोल क्रॉस एल्डोल को भी खत्म किया है। देखो ये एल्डोल और ये क्रॉस एल्डोल और अदर रिएक्शन में कैनिजारो भी इसमें खत्म हो गए। ठीक है, तो अभी इससे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी ध्यान से देख लो। ये वही रिएक्शन है जहां पर CHO जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए, तो यहाँ नाइट्रेशन में ये मेटा पे पोजिशन पे अटैच हुआ है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से केमिकल टेस्ट, और जो भी इसमें थोड़े थोड़े टॉपिक जो बचे हुए होंगे वो आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, और इसमें आपको कुछ खेल के कुछ रूल हैं वो सीखने होंगे। जल्दी से इन रूल्स को खत्म करते हैं। पहला टॉलन टेस्ट, ये है टॉलन टेस्ट, और ये दूसरे नाम से भी बड़ा पॉपुलर है, सिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट है। अब यहां पर जो रिएक्शन है इसकी, जो पॉपुलर रिएक्शन वो ये है इसकी, क्या RCHO किसी भी तरह का CHO, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, हर CHO जो टोलन टेस्ट को कंफर्म करेगा। एलिफेटिक मेरा मतलब है कार्बन की चेन पे CHO, और एरोमेटिक से मेरा मतलब है बेंजीन की रिंग पे CHO। ठीक है, तो यहाँ जो हम डालते हैं वो है आपका AgNH3 का ट्वाइस और पूरे पे पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस में यहाँ हम जो ऐड करेंगे वो है OH- और ये आपको जो रिएक्शन देगा, ठीक है, वो क्या देगा, ये देगा RCOO-, ये देखो CHO से क्या बन गया, COO- प्लस में ये आपका आएगा सिल्वर मिरर, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर। जो टेस्ट ट्यूब होगी वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे मिरर होता है। ठीक है, तो ये आपका सिल्वर मिरर है, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ इसको सिल्वर मिरर। ठीक है, और प्लस में ये जो साइड प्रोडक्ट निकालेगा उसमें है H2O प्लस में NH3। अब बड़ी बात आती है इसकी बैलेंस करने की, भाई इतना सब हो गया तो बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस करने के लिए देखो 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2 3 काश होता लेकिन 2 है और यहाँ पर है 4। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 2 4। आपको अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लगा हो तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ये बहुत जल्दी आपके टिप्स पे होगी और इसे बहुत जल्दी आप समझ भी जाओगे। ठीक है, CHO से COO-, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो आपको ये चीज भी समझ में आने लगेगी कि किस तरह से हम इसको हम ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ RCHO से, अगर आपको RCOOH बनाना है तो बताइए इसमें हम क्या ऐड करेंगे, रेज योर हैंड। RCHO से अगर RCOOH बनाना है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, विपिन बताइए। PCC या CRO3। CRO3 या फिर PCC, ठीक है ना, इनमें से ये ऐड कर देंगे। लेकिन लेकिन देखो अब लेवल बढ़ाओ अपना, अगर मैं यहाँ पर डाल दूं क्या AgNH3 का क्या ट्वाइस, ठीक है, इस तरीके से, और स्लैश लगा के OH-। इन शॉर्ट मैं इस पूरी वैल्यू को यहाँ डाल रहा हूं और आप
अभी भी यहाँ पर RCOO नेगेटिव, अगर सीरियसली देखो तो ये वही होता है RCOOH, तो आप इसको भी लिख सकते हो डायरेक्ट, और साइड में आप 2AG करके ऐसे कर सकते हो। इसको भी क्या माना जाता है, इसको भी माना जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। यानी आप जो बिल्कुल ही गुड बेटर बेस्ट लेवल पे जाना चाहता है तो ये बेस्ट वाली तो ऊपर रेड कलर में आपको रिएक्शन दिख रही है, लेकिन आप इतना भी दिखाना चाहते हो तब भी आपका ये माना जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है सिल्वर मिरर की ऊपर वाली रिएक्शन बिल्कुल वही है जो नीचे वाली रिएक्शन है। ठीक है, और भी सुनो, अगर मान लो कन्वर्जन की बात आए तो RCHO से एल्डिहाइड से CRCOOH में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टूडेंट सिल्वर मिरर वाली रिएजेंट का भी यूज करते हैं। तो इस बात से बिल्कुल पहले से तैयार रहना अपने मेंटली, ये नहीं कि आपको बस यही बच्चों की तरह छोटी सी चीज याद है, इसमें डाल देते हैं सर हम CRO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड या फिर PCC तो हमारा ये बनता है। ठीक है यार, ये तुम्हें आता है, ठीक है मान गया, लेकिन थोड़ा लेवल और बढ़ाओ, इसमें अगर आप ये भी डाल दोगे तब भी आपका CWS माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारा पोर्शन जो है वो सारा समझ में आया होगा जो भी मैंने नीचे बताया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आगे है हमारा अगला पोर्शन। ठीक है, तो अब देखना जरा ध्यान से कुछ रूल्स। पहला रूल टोलन टेस्ट का, सभी एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड कंफर्म दिस टेस्ट, ऑल एल्डिहाइड, चाहे आपका कैसा भी एल्डिहाइड हो आपका सिल्वर मिरर टेस्ट को कंफर्म करेगा ही करेगा, चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक कैसा भी हो एल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा, कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है ना, डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ये टेस्ट आपका जो कीटोन है वो नहीं देगा, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। अच्छा, अब दो बातें जो होती है बहुत सिंपल और स्ट्रेट सभी को पता होती है लगभग, लेकिन अब जो मैं तीसरी बात बता रहा हूँ इसे बोलते हैं एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन स्टूडेंट को ही पता रहेगी। क्या, फॉर्मिक एसिड कन्फर्म दिस टेस्ट, कितनी अजीब बात है, फॉर्मिक एसिड, यार फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट दे रहा है, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड कन्फर्म दिस टेस्ट। अब कईयों के दिमाग में आता है यार ये फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट कैसे दे सकता है, तो मेरे पास कुछ इसके सबूत हैं, ध्यान से देखो। फॉर्मिक एसिड को जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, HC OH ऐसे लिखते हो ना, ये होता है फॉर्मिक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड को ध्यान से देखा जाए, हमारे इस टेस्ट को टोलन टेस्ट को ध्यान से देखा जाए तो ये बड़ा पॉपुलर है किसको कंफर्म करने के लिए, CHO को कंफर्म करने के लिए, एल्डिहाइड को कंफर्म करने के लिए। लेकिन फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर कुछ झलक दिखाई देती है एल्डिहाइड की, आपको दिख गई हो तो ठीक है, नहीं दिखी हो तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये जो झलक है ये आपकी CHO की है, यही वजह है कि फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट कंफर्म कर देता है। ठीक है, याद रखना ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी चीज है वो तो आप ठीक है याद रखो, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आ जाती है ना तो आप ना स्क्रीन के आगे थोड़ा सा ऐसे करके फ्रंट पे ऐसे बैठ जाओ, सामने आके बिल्कुल पूरा फोकस करके, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सामने आती है, ऑर्डिनरी चीज आ रही है ओके नॉर्मल, पीछे हाथ रख के अपने चेयर के आराम से बैठे रहो, जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज सामने आती है, एक्सेप्शन सामने आता है, तो स्क्रीन के बिल्कुल पास आ जाओ, उसको देखो अच्छी तरह से, मेरा कहने का मतलब उसे ज्यादा सीरियस लो। ओके, चलो मूव करते हैं अगले टेस्ट की तरफ जिसका नाम है नंबर 2, वेरी पॉपुलर फेलिंग टेस्ट। ये भी फेलिंग टेस्ट, अब फेलिंग टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी भाई, फेलिंग टेस्ट कंफर्म करता है एल्डिहाइड, वो तो ऊपर वाला भी करता है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है भाई, ये कंफर्म करता है कौन सा एल्डिहाइड, सिर्फ एलिफेटिक यानी कार्बन की चेन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, तो RCHO यहाँ भी, लेकिन अब की बार जो RCHO है ये कार्बन की चेन वाला है, बेंजीन की रिंग वाला ये टेस्ट कंफर्म नहीं करता। तो RCHO में क्या डाल दिया भाई, ये डाल दिया कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव यहाँ भी है, और अब आपकी जो रिएक्शन प्रोसीड हुई वो ही RCOO नेगेटिव प्लस में Cu2O प्लस में 3H2O। ठीक है, तो यहाँ पर जो और ये जो C2O आता है इसका कलर होता है रेड ब्राउन PPT, दिस इज योर रेड ब्राउन
पीपीटी, ये रेड ब्राउन पीपीटी है, ठीक है। इसकी वजह से हम कंफर्म कर देते हैं कि ये फाइलिंग टेस्ट है आपका। अच्छा, और अगर आगे हम चलें इसमें तो इसकी बैलेंसिंग की क्या, अगर ध्यान रखें तो 125 125, और यहाँ है आपका 113 113, ये हो गया। तो रेड ब्राउन पीपीटी से कंफर्म हो जाता है ये फाइलिंग टेस्ट। कौन कौन देता है? ऑल एल्डिहाइड अब नहीं लिख सकते हम, सिर्फ कौन? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अदर देन एरोमेटिक, एरोमेटिक को छोड़कर बाकी सभी एल्डिहाइड कंफर्म दिस टेस्ट, इस टेस्ट को कंफर्म कर देते हैं। और फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात कौन सी? दूसरी, कीटोन डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, ये टेस्ट को कीटोन कंफर्म नहीं करता, कीटोन डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, ठीक है ना। तो कीटोन इसको कंफर्म नहीं करेगा, तो याद रखना एलिफेटिक कंफर्म करेंगे, एरोमेटिक कंफर्म नहीं करेंगे। तीसरा आता है आपका जो टेस्ट, उसका नाम है आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट। इस चैप्टर में जितने भी टेस्ट हैं उनकी जान है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसे रैंक वन टेस्ट मान के चलना आप, ठीक है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट किस तरह का है? कुछ इस तरीके का है, ये देखो, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। कई बच्चों का ये मानना है कि कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट कंफर्म करता है, नहीं, ये तो एक मिथ है, एक गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। ये देखो, आयोडीन डाल दो और इसके साथ क्या डाल दो? NaOH डाल दो। तो ये जैसे ही आप इसको डालोगे तो क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी? इसका ये वाला हिस्सा जो है वो टूट जाएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यानी आयोडोफॉर्म कौन कंफर्म कर सकता है? जिसके पास क्या हो? सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ग्रुप हो। ये तो बात थोड़ी जेंटलमैन तरीके से मैंने बोल दी, लेकिन अब मैं नॉर्मल हिंदी में बोलूंगा यही बात। कीटोन के किसी भी एक तरफ, आइदर साइड, एक कार्बन अगर फंस गया तो समझ लो ये आयोडोफॉर्म कंफर्म कर देगा, ठीक है। अब जैसे मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करूं तो यहाँ क्या आएगा? जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपका CH3COONa, राइट। और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या बना लेता है? CHI3। इसी को बोलते हैं येलो पीपीटी, यानी यही आपका आयोडोफॉर्म है, ठीक है, येलो पीपीटी। और प्लस में, प्लस में यहां पर आता है 3NaI 3NaI और प्लस में 3H2O 3H2O। अभी तो आपको देखने में ये लगेगा यार ये कैसी कैसी रिएक्शन है, लेकिन थोड़ी देर में, आज ही की क्लास में सारी आम लगने लगेंगी, क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस होगी। तो 1 3 4 1 1 3 3 1 1 3 3, ठीक है। ये आयोडोफॉर्म था, इसे बोलते हैं येलो पीपीटी, ये आपका येलो पोर्शन है, याद रखना दिस इज योर येलो पीपीटी, ठीक है। इसी की वजह से ये आयोडोफॉर्म इतना पॉपुलर हुआ था। अच्छा, अब इसकी कुछ बातें। नंबर वन, पहली और खास बात क्या? कंपाउंड, जैसे मैंने बोला ना, अगर कीटोन के एक साइड में अगर एक कार्बन फंसता है तो वो आयोडोफॉर्म कंफर्म करेगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या ये आयोडोफॉर्म कंफर्म कर सकता है? ये देखो, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3, नाम है पेंटेन 3-ऑन, जबकि ये कीटोन है, लेकिन ये आयोडोफॉर्म कंफर्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि कीटोन के एक तरफ एक कार्बन फंसा नहीं, यहां भी दो कार्बन है, यहां भी दो कार्बन है, इसीलिए ये आयोडोफॉर्म कंफर्म नहीं करता। इस बात की गलत फहमी में मत रहना कि हमेशा कीटोन आयोडोफॉर्म करता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आगे चलते हैं, तो अब है हमारे पास इसका पहला पॉइंट, आयोडोफॉर्म कौन कंफर्म कर सकता है? तो आंसर है, आयोडोफॉर्म वही कंफर्म करेगा जिसके आइदर साइड, मैं ये लिख देता हूं, कंपाउंड हैविंग हैविंग क्या? सी डबल बॉन्ड ओ CH3, अगर ये कोई ग्रुप है उसमें, कंफर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये आयोडोफॉर्म को कंफर्म कर देगा। और अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट एक्सेप्शन है और तीसरा पॉइंट तो उसका भी एक्सेप्शन है। क्या, कितनी अजीब बात है, इथेनल के बारे में क्या बोल रहे हैं ये? इथेनल कंफर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट
हैं, ये कैसे भाई, ये तो एल्डिहाइड है। तो इथेनल को अगर आप ध्यान से देखो तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, और मैंने क्या कहा था, जिस कंपाउंड के पास ये हिस्सा होगा सी डबल बॉन्ड ओ के साइड में देखो एक कार्बन फंस गया, इसीलिए इथेनल भी आइडोफॉर्म कंफर्म करता है। हद तो तब हो जाती है जब इसके बाद ये भी बात आती है कि इथेनॉल भी आइडोफॉर्म कंफर्म करता है। इथेनॉल भी, ये देखो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, इथेनॉल भी आइडोफॉर्म, क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी इथेनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, आपको पता है, अगर आप इसका क्या करवा दो, अगर आप इसका लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन करवा दो, तो ये दोनों पॉइंट बड़े काम के हैं, बहुत काम के हैं ये दोनों पॉइंट। देखो ये बातें तो नॉर्मल सभी बच्चों को पता होगी, लेकिन ये बातें बहुत कम को पता होगी कि इथेनॉल भी आइडोफॉर्म कंफर्म करता है और इथेनॉल भी आइडोफॉर्म कंफर्म करता है। और आगे चलते हैं, अगला है हमारा सेक्शन और उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नंबर 4। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 बाइकार्बोनेट होता है, राइट। और जो कल की क्लास में बताया था कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बाइसल्फाइट, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट किसको, किसके लिए होता है, ये स्पेशल मैं लिखूंगा इसको बेंजोइक एसिड के लिए होता है ये, ठीक है। अगर आपने इसमें डाल दिया ना NaHCO3, तो ये आपको इस तरीके से रिएक्शन देगा बेंजीन के ऊपर सी डबल ओ एन ए, जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, और ये आ गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को बोलते हैं ब्रिस्क एफर्विसेंस। एफर्विसेंस क्या होती है, ब्रिस्क एफर्विसेंस ये होती है जैसे आपने कॉक की बोतल खोली और उसमें जो की आवाज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आते हैं, ब्रिस्क एफर्विसेंस। एपीफिज की बोतल खोली, ब्रिस्क एपीफिज, ठीक है ना। तो सोडा बोतल जितनी भी है वो ब्रिस्क एफर्विसेंस आपको निकालेगा, वो बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफर्विसेंस। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत जल्दी कंफर्म कर देती है किसको, आपके बेंजोइक एसिड को, ठीक है। नंबर 5 और लास्ट कौन सा है, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, FeCl3 टेस्ट भी बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं। और ये किसको कंफर्म करता है, ये फिनॉल को कंफर्म कर देता है, फिनॉल को, ठीक है ना। फिनॉल जिसको आप C6H5OH भी लिख सकते थे, और अगर आपने ये FeCl3 इसमें डाल दिया तो ये आपकी ऐसी रिएक्शन सामने आएगी, क्या C6H5O नेगेटिव होता है, सिंगल नेगेटिव, ठीक है, और ये है Fe3 पॉजिटिव, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, इसका 3 यहाँ आ गया, इसका 1 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, पता लग गई क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा इसका थ्राइस Fe3 पॉजिटिव, ये फॉर्मूला बन जाएगा, और इसको कहते हैं वायलेट कलर, ये होता है आपका वायलेट कलर, ठीक है। और वायलेट कलर इंडिकेट करता है, ये कंफर्म कर देता है आपके फिनोल को, और यहाँ आ गया आपका 3HCl, ठीक है। तो ये 5 रूल आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें से टेस्ट का नाम है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये फेलिंग टेस्ट, और ये आपका टॉलन टेस्ट, ठीक है। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं क्वेश्चन की, कि किस किस तरह से लास्ट ईयर में या अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन है आपका, आपकी एनसीईआरटी 12.13 का फर्स्ट पार्ट, एनसीईआरटी 12.13 का फर्स्ट पार्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, ठीक है। प्रोपेनल का मैं फॉर्मूला लिखूंगा CH3CH2CHO, और दूसरा है प्रोपेनॉन, ये मैं लिखूंगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, उनमें से बताना है आपका, आपको कौन सा टेस्ट ये कंफर्म कर देगा, बताइए, रेज योर हैंड, क्या ये टॉलन टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा,
कुछ बताइए। टॉलेंट मिस हो जाएगा, रिप्रोपेनॉल कर देगा। हाँ बिल्कुल, टॉलेंट टेस्ट को कर देगा। तो ये टॉलेंट टेस्ट भी कर सकता है, अच्छा फेरिंग टेस्ट भी कर सकता है, फेरिंग टेस्ट एलिफेटिक के लिए करता है, तो दूसरा टेस्ट भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी डिस्टिंग्विश कर सकता है, यानी तीन टेस्ट इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म में ये कंफर्म कर देगा। तो जो मन में आए वो ट्राई करो। चलो पहले हम ट्राई करते हैं आयोडोफॉर्म को एक बार, और मैं बता दूं बहुत से टेस्ट आयोडोफॉर्म से ही कंफर्म होंगे। आयोडोफॉर्म से तो आपको आज के दिन में ही प्यार हो जाएगा, इतना कमाल का टेस्ट है ये। I2 प्लस में ये है आपका NaOH, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, एक हिस्सा यहाँ से कटता है, तो ये लेफ्ट में जो बच गया वो क्या है आपका CH3 डबल ओ एन ए। इस तरीके से आ गया CH3 सी डबल ओ एन ए, और जो राइटो का जो पोर्शन है ये आपका हो जाता है CHI3। दिस इज कॉल्ड योर येलो पीपीटी, ठीक है। और प्लस में मैंने क्या बताया था, इसका जो साइड प्रोडक्ट है, आप अगर लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, नंबर आपको उतने मिलेंगे। बट मैं आपको बेस्ट चीज बताऊंगा, 100 में से 100 मार्क्स आने वाली चीज बताऊंगा। आधा नंबर भी कोई टीचर नहीं काट सकता। अगर किसी का मूड खराब है और वो चेक करने के लिए आया ना, तो आपका आपकी आंसर शीट देख के मूड ठीक हो जाएगा उसका। ये येलो पीपीटी हो गया। अब इसके बाद आता है आपका क्या, NaI और H2O, ठीक है। तो बैलेंसिंग का क्या तरीका था इसका, इसका था 1-3-4, ये तो याद ही हो जाएगा आज की क्लास में, 1-3-4, फिर 1-1-3-3, और ये बैलेंस है, ठीक है। अब मैं आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं कि अगर आप चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ये आपके पास कमांड है। पहले मैं इसको पूरा ही कर देता हूं। अच्छा, दूसरे के लिए हम क्या लिखेंगे, दूसरे के लिए हम ये लिखेंगे कि प्रोपेनल डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, प्रोपेनल ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। प्रोपेनल डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, वो ये टेस्ट नहीं देता, ठीक है। अब आपको थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। एग्जाम में अगर आपको नॉर्मल आराम से नंबर लेने हैं, कोई डाउट ही नहीं, तो आप चाहते तो ये कर सकते थे COOCH3, और आपको एरो के ऊपर सिर्फ इतना लिखना था I2/NaOH, बस इतना, कुछ बैलेंसिंग वैलेंसिंग का कोई चक्कर नहीं। और आपको यहाँ दो प्रोडक्ट लिखने हैं COONA, यू नो कौन से वाला है, लेफ्ट वाला है, और राइट में CHI3, दिस इज योर येलो पीपीटी। तो ऊपर वाली रिएक्शन को, ऊपर वाली पूरी रिएक्शन को अगर आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे। और तो और देखो आप ऐसे भी लिख सकते थे, आपके सामने ये भी पूरी कमांड है, आप सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, और आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म होती है HI को निकाल दो, क्या रह गया NaOI, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ आयोडोफॉर्म। यहाँ भी वही चीज, सेम प्रोसेस, क्या CH3 COONA और फिर से CHI3, नो नीड टू बैलेंस, येलो पीपीटी। अब देखो सोचना तो आपके पास ही है, आपको ये जिसकी कैपेसिटी भाई बहुत कमाल की है, वो तो आप 100 में से 100 की तरफ जा रहे हो, तो ये रिएक्शन मैं बोलूंगा हर बार। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो ये दो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, आयोडोफॉर्म के लिए। आयोडोफॉर्म इतना खास है, अभी देखना कितना खास है, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। नंबर टू, सेकंड पार्ट इसका, नंबर टू है कौन सा, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, आपकी NCERT। एसिटोफिनोन एंड जो सेकंड है वो है बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन है। तो एसिटोफिनोन क्या होता है भाई, बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन सभी को पता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ C6H5, यानी दूसरा भी बेंजीन ही है, तो बेंजोफिनोन है।
यहाँ भी अगर आप देखोगे तो कौन सा टेस्ट कंफर्म हो रहा है, रेज योर हैंड, क्या ये टॉलन टेस्ट कंफर्म कर देगा इसको, रेज योर हैंड। यशिका बताइए। नो सर, सर आयोडोफॉर्म करेगा। बिल्कुल आयोडोफॉर्म करेगा, कौन करेगा आयोडोफॉर्म में इसको, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन आयोडोफॉर्म का कंफर्म कर देगा, नो डाउट। ये आयोडोफॉर्म का कंफर्म कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि सी डबल बॉन्डो की साइड में एक कार्बन फंसा हुआ है। तो यहां हम फिर से इसको अगर लिखेंगे तो देखो फिर दोबारा से आ गया ना आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म एक ऐसा है, एक तीर और 10 शिकार, कई शिकार होंगे इससे। फिर से क्या डालेंगे हम, Na2NaOH, ठीक है, विल गिव यू क्या, यहां से ये कट गया आपका, तो ये लेफ्ट में क्या बचा, बेंजीन के ऊपर क्या, COONa एवरी टाइम, यहाँ CHI3, यहाँ NaI और यहाँ H2O, दिस इज H2O। बैलेंसिंग करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 3 4 1 1 3 3, ठीक है। लो ये हो गया आयोडोफॉर्म। शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता है, आप चाहो तो वो इस्तेमाल कर सकते थे, एरो के ऊपर वही I2/NaOH और ये दो प्रोडक्ट लिखने होते हैं। एक बार मैं जल्दी से इसको भी लिख देता हूँ, देखो आप चाहते तो ये भी कर सकते थे, डबल बॉन्ड हो CH3 एरो के ऊपर I2/NaOH और यहाँ क्या आ गया आपका, यहाँ आ गया आपका COONa and CHI3, येलो पीपीटी, ये बात तो लिखनी पड़ेगी यहाँ भी, ठीक है ना, येलो पीपीटी। तो अब इसके नीचे हमें क्या लिखना है कि जो दूसरा है, बेंजोफिनोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, तो बेंजोफिनोन डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, इस तरीके से ये बात भी आपको लिखनी है, ठीक है। और आगे चलते हैं नंबर थर्ड पे, नंबर थर्ड पोजीशन जो है उस पे चलते हैं, और अब है हमारे पास पेंटेन 2-ON, पेंटेन 3-ON, तो ये है आपका पेंटेन 2-ON एंड पेंटेन 3-ON, ये नहीं आएगा, पेंटेन 2-ON, पेंटेन 3-ON, तो देखो पेंटेन 2-ON और ये पेंटेन 3-ON, बताओ इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म कंफर्म करेगा, रेज योर हैंड, कौन सा आयोडोफॉर्म कंफर्म करेगा, रिया खत्री बताइए। द पेंटेन 2-ON, पेंटेन 2-ON करेक्ट आंसर है, ये आयोडोफॉर्म कंफर्म कर देगा और रिएक्शन वही जो मैंने बताई थी, देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, ये पेंटेन 2-ON है और हम क्या लिखेंगे, देखो I2 प्लस में NaOH, ये वाली रिएक्शन तो देखो बेस्ट है, बाकी आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये यहाँ से कट सकता है, तो अब देखो आंसर क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 COONa, ठीक है, प्लस में CHI3, ये आयोडोफॉर्म है, प्लस में NaI, प्लस में H2O। जैसे कि मैंने बताया था आज की क्लास में आपको ये रट जाएगा, 1 3 4 and 1 1 3 3, ठीक है, तो ये हो गया कंफर्म। और नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, पेंटेन 3-ON डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, नीचे लिखने वाले हैं हम पेंटेन 3-ON डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर करने का तरीका होता है एग्जाम में। अच्छा अगले की तरफ चलते हैं, नंबर फोर है हमारे पास, अगला केस बेंजल डिहाइड एसिटोफिनोन, ठीक है, एंड एसिटोफिनोन। तो बेंजल डिहाइड सभी को पता है, बेंजीन के ऊपर क्या, CHO, और एसिटोफिनोन सभी को पता है वही जो अभी हमने किया था, C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटोफिनोन है, ठीक है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि ये एसिटोफिनोन क्या कर सकता है, ये कर सकता है आपका आयोडोफॉर्म कंफर्म।
अच्छा टोलन टेस्ट से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते थे? यस कर सकते थे, ये टोलन टेस्ट को डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो जबकि हमारे पास अभी भी आयोडोफॉर्म का ऑप्शन बचा हुआ है, आयोडोफॉर्म ये लगा लो 90% आपकी डिस्टिंग्विश को सक्सेसफुल बना देगा। लेकिन अगर आप इससे करना चाहते हो C6H5CHO, ओके ये भी ठीक है। इसमें हम क्या डाल देते भाई, AgNH3 का ट्वाइस राइट, और ये पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव विल गिव यू, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा C6H5COO नेगेटिव प्लस में सिल्वर मिरर, ठीक है। और प्लस में जो यहाँ आएगा वो है आपका H2O सिल्वर मिरर के बाद, और NH3, ठीक है। तो 1, 2, 3, 1, 2 पास ये 3 होता लेकिन 2 और ये 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया, और उसके बाद क्या लिख सकते हो नीचे, एसिटोफिनोन डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट। तो आगे चलते हैं नंबर 5 के पास, और नंबर 5 है हमारे पास अगला केस कौन सा, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। रेज योर हैंड, कौन बताएगा इस ये कौन सा टेस्ट कंफर्म करेगा, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, बहुत बढ़िया नाइस। रोहित बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट या फिर FeCl3 टेस्ट, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड के लिए जैसा कि आपको पता है हम बेंजोइक एसिड में क्या डालते थे, बेंजोइक एसिड में डालते थे सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां से एफर्विसेंस आएगी और ये बन जाएगा आपका COONA। देखो COOH की खास बात है, अगर आप इसमें NaOH भी डालते ना तब भी ये COONA ही बनाता, और यहाँ वही ब्रिस्क एफर्विसेंस और प्लस में H2O, ये आ गया आपका ब्रिस्क एफर्विसेंस, ठीक है। और ये H2O दिस कंफर्म सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो नीचे क्या लिखने वाले हम, फिनोल डू नॉट गिव दिस टेस्ट, फिनॉल डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट। तो हम ये इसको नीचे लिख देंगे और खेल खत्म। आप चाहते तो FeCl3 टेस्ट से भी इसको कर सकते थे जैसा कि रोहित ने बताया। नंबर सिक्स पोजीशन है हमारी कौन सी, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोइक, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। अब देखने वाली बात यह है कि आप बेंजोइक एसिड को तो चलो बना दोगे, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन में ऊपर है COOH, बट क्या आप इथाइल बेंजोएट को बना पाओगे? इथाइल बेंजोएट क्या होता है, ये देखो बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ और फिर से ओ और यहां C2H5, ये होता है इथाइल बेंजोएट, ये एस्टर है। तो यहाँ कौन सा टेस्ट आप कंफर्म करोगे, आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो ऊपर हमने किया था, जो ये कंफर्म कर देगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना इसको। नंबर 7 पे आते हैं हम, नंबर 7 है हमारे पास इथेनल प्रोपेनल। मैं देखो जो आता है ना खास, मैं उस पर इंपोर्टेंट लगाऊंगा। ये है आपका इथेनल एंड प्रोपेनल। अब देखो इतने में से मैंने इसको इम्पोर्टेंट लगाया, तो कुछ ना कुछ तो बात है इसमें। रेज योर हैंड, कौन बता सकता है इसका टेस्ट, ये किसे, कौन इसे कंफर्म करेगा, इथेनल प्रोपेनल, रेज योर हैंड। विजय बताइए, भानु बताइए, सर आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इसे कंफर्म करेगा। देखो आप इसके भूल में मत रहना कि यार यहाँ CHO है, तो ये दोनों के दोनों, यहाँ भी CHO है, ये दोनों के दोनों क्या कंफर्म कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों आपके टॉलन को कंफर्म कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों आपके फैलिंग को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एलिफेटिक है। लेकिन ये एक्सेप्शन है इथेनल, ये आयोडोफॉर्म को कंफर्म करेगा इथेनल। कैसे भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनल है, और आयोडोफॉर्म में क्या डालते हैं,
I2 प्लस में NaOH आपको पता है इसके बारे में, और ये फिर से यहां से टूटेगा क्योंकि एक कार्बन C डबल बॉन्ड O के साइड में फंसना चाहिए, ठीक है। अब जो बच गया, बचा हुआ कार्बन, उसे क्या बनेगा, SCOOONa, ठीक है। और प्लस में ये COONa हो गया, ये आइडोफोम हो गया आपका, और यहाँ क्या आएगा आइडोफोम के अलावा NaI और H2O। तो आंसर क्या आया, 1341133, ये आपका आंसर आ गया। दिस येलो PPT कंफर्म योर टेस्ट, ठीक है, येलो PPT होता है। अच्छा, नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, वही चीज, प्रोपेनल डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, प्रोपेनल डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट। और आगे चलते हैं, अब हम यहां 7 के बाद है नंबर 8, ये है नंबर 8, और नंबर 8 पे हमारे पास जो केस है वो है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, अब आपके एनसीईआरटी से हम बाहर निकल चुके हैं, एंड एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, और एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। रेज योर हैंड, कौन सा टेस्ट कंफर्म करोगे आप इससे। बहुत बढ़िया, कई सारे आंसर है मेरे पास। विजय बताइए, टॉलरेंस टेस्ट, ये टॉलरेंस टेस्ट को कंफर्म करेगा, एक्सेप्शन है, और उम्मीद है आपको ये याद होगा, हमने ये अपने रूल रेगुलेशन में किया है। एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये है आपका OH, ये टॉलरेंस टेस्ट को कंफर्म करता है। क्यों, इसमें कुछ झलक दिखती है CHO की, तो हम क्या डालेंगे इसमें, वही AgNH3 का क्या, ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल गिव यू क्या भाई, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये हमारा बनाएगा HCOO नेगेटिव प्लस में Ag सेटल डाउन प्लस में टॉलरेंस टेस्ट में और क्या था यहाँ AgH2O और NH3 H2O और NH3, तो ये आ गया आपका क्या 1 2 3 3 1 2 2 और ये 4, इस तरीके से। तो ये आपका सिल्वर मिरर है, सिल्वर मिरर, ठीक है। नीचे क्या लिखने वाले हैं हम भाई, फॉर्मिक एसिड डू नॉट कंफर्म दिस, सॉरी एसिटिक एसिड डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, ये लिखने वाले हैं। और चलते हैं नंबर 9 पे, एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी, इस चैप्टर के सारे खत्म हो जाएंगे। नंबर 9 है मीथेनॉल इथेनॉल, मीथेनॉल एंड इथेनॉल, रेज योर हैंड, कौन सा टेस्ट कंफर्म करेगा ये, मीथेनॉल इथेनॉल, आज ही बताया था मैंने। और यशिका बताइए, आयोडोफॉर्म एंड इथेनॉल कंफर्म कर देगा। हाँ, आयोडोफॉर्म इथेनॉल कंफर्म कर देगा, ये है आपका इथेनॉल CH3CH2OH। अब देखो इथेनॉल करते समय, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आपको कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है। आयोडोफॉर्म में हम I2 डालते हैं, NaOH डालते हैं, याद है ना। तो अब ये करते समय जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है CH3COO, इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको, HCOONa HCOONa प्लस में CHI3 प्लस में NH3 NaI प्लस में क्या था आपका H2O। अब हमने तो याद क्या कर रखा था, 1 3 4 1 1 3 3। अब इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल है तो यहाँ अमाउंट अलग होती है, कितनी होती है 1 4 6 और 1 1 5 5, यहाँ आता है 1 1 5 5। तो यार ये थोड़ा बोरिंग काम हो गया ना, अब यार पहले हम वो याद करें या ये याद करें, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, अगर आपको पता ही लग गया कि इथेनॉल है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपके हाथ में कमांड है, आप पूरा अपना सेकंड जो फॉर्मेट है उसका इस्तेमाल करो, या तो ये लिखो या यू नो वेरी वेल NaOI लिखो, क्योंकि यार इतनी कितने सारी चीजों को याद करेंगे आप, एक ही सेटअप याद कर पाएंगे ना। तो क्या बनेगा, HCOONa और
CHI3 साइड प्रोडक्ट बेसिक मत लिखो, आपका पूरा का पूरा पोर्शन ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। बस पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म कन्फर्म करता है, कोई बैलेंसिंग मत करो, ठीक है। तो बचने के मैं सारे तरीके बताऊंगा, नंबर 10 और आज का लास्ट, आज की क्लास यही खत्म हो जाएगी, ये है आपका मीथेनॉल एंड दूसरा है फिनॉल, दोनों के दोनों एल्कोहल, मीथेनॉल फिनॉल। रेज योर हैंड, कौन सा टेस्ट? बहुत बढ़िया रोहित, बताइए रोहित। FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट जिसे बोलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट के लिए वही, ये है आपका फिनॉल और इसमें आप डाल दोगे FeCl3 को, जैसे कि आज की क्लास में हमने किया था, क्या बनेगा ये C6H5O- और Fe आपका ये हो जाएगा थ्राइस और Fe, दिस इज वायलेट कलर, वायलेट कलर। और प्लस में जो यहाँ साइड प्रोडक्ट निकलते हैं कौन सा, 3HCl। नीचे क्या लिखने वाले हो आप, नीचे लिखने वाले हो मीथेनॉल डू नॉट कंफर्म दिस टेस्ट, राइट। मीथेनॉल डू नॉट कंफर्म, डू नॉट कंफर्म। तो ये था आज का जो टेस्ट था, वो पोर्शन सारा का सारा खत्म, इस चैप्टर का सारे केमिकल टेस्ट थे वो सारे खत्म। अब अगले चैप्टर के जो रह गए केमिकल टेस्ट जो रहते हैं बाकी सारे खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और आसान भी लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।